हमारे विवेक न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। घोड़ा कॉलोनी नगर पालिका आज़ाद बिहार वार्ड नंबर 10 में हुई एक शर्मसार घटना, जहां एक गर्भवती महिला नीलम की अस्पताल की लापरवाही के चलते जान चली गई। इस विषय में हमारे संवाददाता सुनील प्रजापति ने क्षेत्र के सभासद से बात की। नमस्कार, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रामवीर यादव, जो कि खोड़ा नगर पालिका वार्ड नंबर 10 के सभासद हैं। उनके क्षेत्र में आज एक बहुत दुखद घटना हुई है, उस विषय में उनकी राय जानेंगे। रामवीर जी, जैसा कि आपके क्षेत्र में एक गर्भवती महिला की जान चली गई, इस विषय में आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल वालों को जी, जहाँ जहाँ भी वो ट्रीटमेंट के लिए गए जी, उन्होंने उनको बड़ी बुरी तरीके से धक्कारा जी, और उन्होंने एडमिट नहीं किया, उनका ट्रीटमेंट नहीं किया। जबकि सबसे पहले वो ESI हॉस्पिटल में गए जी, उन्होंने 10 मिनट रखने के बाद उन्होंने मना कर दिया जी। उसके बाद उन्होंने रेफर किया सेक्टर 30 चला जाए, सरकारी हॉस्पिटल। तो सेक्टर 30 ले गए, सेक्टर 30 ले जाने के बाद उन्होंने भी वहाँ 5-10 मिनट रखने के बाद में मना कर दिया जी। उसके बाद में वो अपनी मर्जी से JP हॉस्पिटल लेके गए, JP वालों ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा एक कोरोना का टेस्ट कराई, उन्होंने कोरोना का टेस्ट के लिए भी पैसे जमा कर दिए, लेकिन उन्होंने उसके बाद में मना कर दिया। उसके बाद में फिर वो शिवालिक में आज से 4 तारीख से और 4 तारीख तक उन्होंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट रखा, प्रॉपरली ट्रीटमेंट दिया जी, और 4 तारीख के बाद में वो डिस्चार्ज करा के अपने घर ले आए जी। घर ले आने के बाद में फिर 6 तारीख को लेके गए, तो 6 तारीख को उन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया, जबकि कंटिन्यू शिवालिक हॉस्पिटल सेक्टर 51 में है, उनका ट्रीटमेंट प्रॉपरली वहाँ से चल रहा था, लेकिन उन्होंने भी एडमिट करने से मना कर दिया। बड़े शर्म की बात है, अगर जिस आदमी जो प्रॉपरली शुरू से राज तक ट्रीटमेंट एक अपने बच्चे का अपना ट्रीटमेंट कराता हुआ आ रहा है 8 से 9 महीने से, और उस हॉस्पिटल ने भी एडमिट करने से मना कर दिया, ये बड़े शर्म की बात है। और ये एक मौत नहीं हुई है, ये 2 मौत हुई है, क्योंकि उनका लगभग पूरा टाइम बच्चे का डिलीवरी का हो चुका था जी। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो भी इसमें हॉस्पिटल वाले जिन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सेकंडली मैं धन्यवाद करता हूं अपने राज्य के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, उन्होंने जैसे ही ये मामला उनके संज्ञान में आया उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया है। 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और मेरे सामने सुबह से अभी तक 5 से 6 पदाधिकारी मत जाँच करके जा चुके हैं। मैं चाहूँगा कि जो भी हॉस्पिटल इसमें इन्वॉल्व जिन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने शब्दों में घोर से घोर निंदा करता हूँ इस घटना की, और जितने भी मेरे प्रिंट मीडिया के बंधु, सोशल मीडिया के जितने भी पदाधिकारी, उन्होंने इस बात को माननीय CM योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पहुँचाने का काम किया है, उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद। रामवीर जी, जैसा कि हमें पता लगा है कि उस महिला की बॉडी एम्बुलेंस से चारपाई के द्वारा उसके घर लाई गई, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इस विषय में मैं सबसे पहले तो जो नोएडा से खोड़ा नगर पालिका की जितनी भी सीमा लगी हुई है जी, वो सारे रास्ते बंद कर रखे हैं जी, जो कि गलत है जी। एक रास्ता, अगर हमारी खोड़ा कॉलोनी में 1 से 2 रास्ते खोले हुए हैं, जब हम 3 किलोमीटर घूम कर जाते हैं तो हर आदमी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता, और जब वो बॉडी आई तो बहुत बॉडी सेक्टर 62 के रास्ते से आई, लेकिन रास्ता बंद होने के कारण वो एम्बुलेंस को भी अपने घर तक नहीं ला सके जी, और प्रयास किया गया तो सारे रास्ते बंद थे। तो जो पेशेंट के हस्बैंड थे उन्होंने फिर अपने घर से चारपाई मंगा के और उसके बाद में उस बॉडी को अपने घर लेके गए, इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती। नोएडा के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने इसको खोड़ा को बिल्कुल मलिन बस्ती की तरह मान रखा है कि इसमें कोई आदमी नहीं रहता, इसमें सब मजदूर सब मारना जानबूझ कर घोट घोट कर मारना चाहते हैं खोड़ा वालों, जितने भी नोएडा शासन प्रशासन के पदाधिकारी हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रामवीर यादव, जो कहीं ना कहीं इस घटना की पूरी तरह जिम्मेदारी अस्पताल को दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूर्णतः जिम्मेदारी अस्पताल की है जिससे इस महिला की जान चली गई। मैं सुनील कुमार प्रजापति, कैमरा पर्सन हर्ष के साथ।